सुल्तान मल्टीमीडिया 786 चैनल नाल जुड़िया सारिया संगतां नूं जय पीरां दी। अज दी वीडियो विच असीं तुहानूं एक अंगूरां दी ऐसी कथा दसांगे, जेकर तुसीं इहनूं मन्निया इहदे ते गौर कीती तां इंशाअल्लाह ताला तुहाडे घर दे विच सुख शांति बरकत तरक्की रहेगी। सो हथ जोड़ के बेनती है इस वीडियो नूं पूरा जरूर देखियो ते इस चैनल नूं भी जरूर सबसक्राइब करियो। पीरां दी प्यारी साध संगत जी, किसी पिंड दे विच एक तिमी आदमी रहिंदे सी जिहड़े कि अक्सर ही घर दे विच लड़दे रहिंदे सी। घरवाला घरवाली नूं बहुत समझाउंदा पर छेती किते गल उहदे खाने नहीं सी पैंदी। एक दिन वह औरत अपने घरों निकली कुछ सौदा लैण वास्ते। जदों बाजार विच गई उहनें घर वास्ते थोड़ा समान खरीदिया ते उन्हें सोचा कि चलो थोड़े फल फ्रूट लै लैने आ। इस करके वह एक फलों वाली रेहड़ी ते गई, जाके उन्हें फलों वाल निगाह मारी तो उन्हें अंगूर चंगे लगे ते उन्हें सोचा कि चलो अज घर वास्ते अंगूर लै चलते हैं। हुण उत्थे दो तरह के अंगूर पए सी, एक गुच्छे दे विच एक कले कले दाने पए सी। पहला उस औरत ने उस भाई ने पूछा कि इन अंगूरों का की रेट आ, की पाया? तो उस भाई ने कहा कि ये 80 रुपए किलो आ। वह औरत सुन के बड़ी हैरान हुई कि इन्ने महंगे अंगूर, चलो छड्डो नहीं लैने। फिर उहदी निगाह कले कले अंगूरों ते पई ते उन्हें भाई ने पूछा कि इन्हां अंगूरों का की रेट आ? तो उन्हें कहा कि ये 40 रुपए किलो आ। ये सुन के वह तीमी खुश हो गई ते उन्हें पूछा कि इदा क्यों, वह 80 रुपए किलो ते 40 रुपए किलो? तो उस भाई ने कहा कि वह गुच्छे दे विच आ ते वो ताजे आ, इस करके वो थोड़े महंगे आ ते कले कले होए आ, इस करके थोड़े सस्ते आ। उस औरत ने वो 40 रुपए किलो वाले अंगूर लाए ते घर वापस आ गई ते आके अपने घर वाले नूं कहन लगी कि मैं थोड़े वास्ते बाजार विच अंगूर लेके आई हाँ पर अंगूर बड़े महंगे आ, 80 रुपए किलो आ। तो उहदा घर वाला कहन लगा 80 रुपए किलो, की तू अंगूर लाए? तो वह कहती हाँ पर मैं 80 रुपए किलो वाले नहीं सगो 40 रुपए किलो वाले ले आ। उहदा घर वाला कहन लगा कि 80 रुपए किलो वाले अंगूर तैनूं 40 रुपये किदां मिल गए? तो वह औरत कहन लगी उत्थे दो तरह के अंगूर सी जिहड़े गुच्छे दे विच सी एक दूजे दे नाल जुड़े हो सी वह 80 रुपए किलो सी ते जिहड़े कले कले दाने सी वह 40 रुपए किलो, इस करके मैं वह कले कले दाणियां वाले अंगूर लैके आई हाँ। इस सुन के उहदे घर वाले ने उस औरत नूं कहा, अपनी घरवाली नूं कहा कि तू इस गल तों कुछ समझी? तो वह औरत कहन लगी नहीं मैं कुछ नहीं समझी, तुसीं की कहना चाहुंदे आ? तां उस आदमी ने अपनी घरवाली नूं समझाया कि मेरी गल नूं ध्यान दे नाल सुन, अपने आप नूं इन्हां अंगूरां दी थां रख के देख, जिहड़े अंगूर गुच्छे दे विच सी इक दूजे दे नाल जुड़े होए सी उन्हां दी कीमत ज़्यादा सी ते जिहड़े कले कले सी उन्हां दी कीमत घट सी। हुण जिहड़ा परिवार जुड़ के रहिंदा है, रल मिल के रहिंदा है, उन्हां दी कीमत हमेशा ही ज़्यादा हुंदी आ। जिहड़ा परिवार आपस विच रल मिल के रहिंदा है ते घर दे विच हर मुसीबत नूं रल मिल के दूर करदा है, फिर वह मुसीबत मुसीबत नहीं रह जाती, क्योंकि इकट्ठ दे विच असीं वड्डी तों वड्डी मुसीबत नूं भी हस के झल सकते हाँ, दूर कर सकते हाँ, बड़ी तो बड़ी परेशानी नूं सह सकते हाँ, किड्डा वड्डा दुख आ जाए वो असीं हस के रल के सह सकते हाँ। एकता दे विच बड़ी ताकत हुंदी आ, असीं सफल हो सकते हैं, घर दे विचों गरीबी परेशानी बीमारियां दुखां नूं दूर कर सकते हैं, क्योंकि असीं एके दे विच रहिंदे हाँ ते रल मिल के एक दूजे का साथ दिंदे हाँ, इसे करके साडी कीमत ज़्यादा हो जाती आ। बाहरला कोई भी इंसान हाथ पाउण तों पहला सोचता कि यह परिवार इकट्ठा है, सारे रल मिल के रहिंदे आ, इस करके छेती देनी कोई हथ भी नहीं पाउंदा ते उह घर सदा ही सुख शांति बरकत तरक्कियां दे विच जींदा है। ते जिहड़ा परिवार अंगूर दे कले कले दाणियां वांग बिखर जांदा है वह फिर मुसीबतां परेशानियां दुखां तकलीफां दे विच घिर जांदा है, औखे समय ते उन्हां दा कोई साथ नहीं दिंदा, उन्हां दी कोई कीमत भी नहीं रह जांदी, क्योंकि वह कले कले हो जांदे आ ते कले कले इंसान नूं तोड़ना होर ज़्यादा सौखा हो जांदा है। इस करके गुच्छे दे विच रहण वाले अंगूरां दा भाव ज़्यादा ते कले कले रहण वाले अंगूरां दा भाव घट, क्योंकि एके दे विच बड़ी ताकत हुंदी आ। इसे तरह ही जेकर आपां घर दे विच रल मिल के एक दूजे दा कहना मन के
इकट्ठे रहिए ता ही असी हर मुसीबत नू दूर कर सकते हैं। घर दे विच सुख शांति बरकत तरक्की दे नाल रह सकते हैं ते हर मंजिल नू पा सकते हैं। नहीं तो कले कले नू ता लोग तोड़ ही देंदे आ, कोई शक्ति नहीं हुंदी ते हौली हौली असी बिखर जाने आ। इस करके अंगूरां दे इस कहानी ते तुसी गौर जरूर करियो, घर दे विच सुख शांति बरकत तरक्की जरूर आवेगी। सो इस वीडियो नू वध तों वध शेयर करियो, तुहाडा पीरो मुर्शद तुहाडी हर इच्छा पूरी करे। आमीन।